अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर अक्सुम और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आज मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जेकाबाद में। आज यहां पर JEST के ऑफ़र जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। हमारे साथ बहुत से JST जो है वो यहां पर मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं। आई हमसे बात करते हैं तो मेरे साथ एक JST जो अभी ऑफर आर्डर मिला है वो मेरे साथ थे, तो आज उनसे पूछते हैं कि उनकी फीलिंग क्या है। तो भाई जान, आपका नाम क्या है? खलील अहमद। आज कैसा फील कर रहे हैं आप? मेरिट पे पास हुए हैं और आज आपको ऑफर आर्डर में मिला है, इसके हवाले से आप क्या यानी आप फील करें और क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत खुशी हो रही है कि जब आप मेहनत करते हैं सच्चे दिल से और उसकी कामयाबी आपके हाथ में आती है तो अच्छा फील होता है, एक सेटिस्फिकेशन होती है मन में, एक पुरुद है इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही हम कामयाबी समेट लेंगे और ऐसे ही मेहनत करेंगे। और अभी जो आगे के नौजवान हैं जो और पोस्टें आएँगी गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो ऐलान कर रहा है उसके हवाले से आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? सर, उनको पैगाम यही है कि वो दिल लगा के मन लगा के मेहनत करें, क्योंकि अभी जो है वो मेरिट ही हो रही है और अच्छे अफसर आ रहे हैं और मेरिट पर वो बहुत काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो यही चाहिए कि आप सच्चे दिल से मेहनत करें, दिन रात पढ़ाई करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ एक और JEST मौजूद है, उसको भी अभी ऑफर आर्डर मिला है, उनसे भी कुछ पूछते हैं। भाईजान, आपका नाम क्या है? हेलो, मेरा नाम निसार अहमद लाशारी है, जेको तालके से मेरा ताल्लुक है। जी सर। जी हाँ। तो निसार भाई, आप क्या फील कर रहे हैं? आज आपको मेरिट पर ऑफर आर्डर मिला है JEST का, तो आप क्या फील कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें JEST का आर्डर मिला है। BPS 14 है, बस हमें जो है ना हमारे वालदेन के लिए और हमारे लिए बहुत खुशी का बायस है। अच्छा, जो अभी नए नौजवान जो यानी और पोस्टें आएँगी गवर्नर सिंध के हवाले से, उन नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? उन नौजवानों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज का जो दौर है ना, मेरिट बेस पे जो भी भर्तियाँ हो रही हैं मेरिट बेस पे हो रही हैं, कि नौजवानों को बस चाहिए कि अपनी मेहनत करें, अपनी मेहनत का जो है ना वो फल पाएंगे इंशाल्लाह। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। दिन एक और भी JEST मेरे साथ मौजूद है, उससे भी बात करते हैं और उनसे भी पूछते हैं। भाईजान, नाम क्या है आपका? इब्रार हुसैन। अभी आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आप आज के इस खुशी के मौके पर आपकी जो फीलिंग है वो क्या है वो हमसे शेयर करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी मेहनत और मेरे वालदेन की दुआएं हैं मेरे साथ और मैंने ये कामयाबी हासिल की है और मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ अभी इस मोमेंट पे। अच्छा, और नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? मैं नौजवानों को यही पैगाम देना चाहता हूँ, वो अपनी मेहनत करें, अपनी जो मेहनत है वो कंटिन्यूसली रखें। आप फेलूर आएँगे आपकी लाइफ में, बहुत सारे आएँगे, आप कभी भी गिव अप नहीं करें, अपनी जो आपकी जो मेहनत है वो आप कंटिन्यूसली रखें, इंशाल्लाह एक दिन आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और ये जो आपको बातें बताई जा रही हैं, ये पैसे से मिल रही हैं नौकरी, ये कुछ भी नहीं है, आप अपनी मेहनत से कंटिन्यूसली रखें, इंशाल्लाह आपको एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी। थैंक यू। तो मेरे साथ एक और आज JEST जो जिसको ऑफर आर्डर मिला है वो मेरे साथ मौजूद है और मैं उनसे बात करता हूँ और उनसे पूछते हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम मोहम्मद कासिम है, मैं गढ़ी खरौद तालुक से हूँ, डिस्ट्रिक्ट जेकाबाद। अच्छा, तो आप आज क्या फील कर रहे हैं? आपको ऑफर आर्डर मिला है, आप मेरिट पर पास हुए हैं और जो इंतजामिया ने आपको ये ऑफर आर्डर दिया, पहले आपके फाइल जमा हुए हैं, उन सब के हवाले से आपका क्या ख्याल है? सर, सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूंगा और उन सब का शुक्र अदा करूंगा जिन्होंने हमें इनक्रेज किया, और उनके बाद जब ये जॉब से स्टार्ट हुए, इनका प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो हमें ऐसा लग रहा था कि 6 से 8 महीने लगेंगे, लेकिन जो क्लार्क्स की स्ट्रगल थी वो सारा दिन, उनकी टाइमिंग है हाफ़ डे, फिर भी वो हमारे लिए रात के 7-8 बजे तक बैठते थे और हमारे फाइल जमा करना, उनकी सेटिंग करना, इट्स ऑल द मीनिंग, इट वाज अ डिफ़िकल्ट बट क्लार्क मेक देम वेरी इजी एंड आई एम प्राउड बी हेयर टू बी द सर्वेंट ऑफ दिस एंड आई विल थैंक टू द ऑल क्लार्क्स एंड दे गिव अ ग्रेट एफर्ट। मेहरबानी, यही है। और आप देख सकते हैं कि इतने तालकें, डिस्ट्रिक्ट जेकाबाद का अलग तालका है, गढ़ी खरौद टोल, और इन सब का मैनेज करना PST JST जस्ट इन 15 डेज। सो मैं कहूँगा कि क्लार्क ने बहुत अच्छी मेहनत की है हमारे साथ और बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है, बहुत अच्छा हमारे साथ उन्होंने का बर्ताव था, ट्रीट था। एक होता है कि यहाँ पर आपको पता है कि गर्मी कितनी हो रही है, फिर भी हम उनसे जब भी बात करते थे इतना ईजी वे में हमसे बात करते थे कि ये हमारे क्लार्क नहीं है, ऐसे हमारे भाई हैं। सो दैट्स ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ एक और भी हमारा भाई मौजूद है, हम उससे नाम पूछते हैं। भाई, नाम आपका? एहसन अली लाल नाम है मेरा। तो
तो आपका क्या ख्याल है, आज कितनी खुशी है आपको, आपकी फीलिंग क्या है, आप हमसे अपनी फीलिंग शेयर करें। बेशक ज़ाहरी बात है, जब आपको इतनी मेहनत के बाद कुछ मेहनत का फल मिले तो आपको खुशी ज़रूर होती है, तो मुझे बेहद खुशी हो रही है। और इंतज़ामिया जो हमारी डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद की इंतज़ामिया थी, उसका उसके हवाले से आपका क्या ख्याल है? इंतज़ामिया के हवाले से सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वर्दी डायरेक्टर्स जो हैं हमारे लड़काना के, उन्होंने बेशक बहुत ही मेहनत की है इस प्रोसेस को जल्दी चलाने के लिए। इसके अलावा सबसे देखें, मेहनत हर कोई करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम होता है क्लरिकल स्टाफ का होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काम वो करते हैं ऑफिस मैनेजमेंट, ये सारा कुछ जो है ना हमारे क्लर्क्स भाइयों के हाथ में होता है। तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ना दिन रात मेहनत करके हमारा ये जो प्रोसेस है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, ताकि हमें जल्दी से जल्दी ये जो हमारे ऑफर आर्डर्स आप देख रहे हैं हमारे हाथ में वो मिले हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपको एक बार और मुबारक देते हैं और उम्मीद करते हैं बहुत जल्द आपको अपॉइंटमेंट आर्डर भी मिल जाएगा और आप अपने स्कूल में ज्वाइन करेंगे। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ के जो आज के जो JEST इनको ऑफ़र आर्डर मिले थे, इनसे हमने बात भी की और उनके जो ऑफ़र आर्डर डिस्ट्रीब्यूट हुए थे हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने डिस्ट्रीब्यूट किए और हमारे इंतजामिया ने हमारे क्लर्क ने मिल के, तो हम उनसे बात कर रहे थे।